हरियाणा के उद्यमी किसान अपने उच्च स्तरीय फसल उत्पाद के साथ साथ मसालों की खेती करके काफी अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है जींद के रहने वाले किसान सुनील खंडेला ने, जिनके फार्म में उगाया जा रहा अमरूद जिसका भार लगभग 1 किलो तक होता है, जिन्हें देखने के लिए आसपास के गांवों के किसानों के अलावा दूसरे देशों से भी लोग आते हैं और मार्केट में 140 रुपए प्रति किलो तक इसकी बिक्री होती है। ये किसान अपने अपने फार्म पर फसल सब्जियों के अलावा आंवला, हल्दी और अन्य प्रकार की खेती करते हैं। प्रगतिशील किसान सुनील कंडेला ऑर्गेनिक खेती से फलों का उत्पादन करते हैं। उनके बाग के चर्चे जिले ही नहीं प्रदेश के बाहर भी हैं। इनके बाग को देखने और समझने के लिए दूसरे राज्यों से भी किसान यहां पहुंचते हैं। मैं यहाँ 5 एकड़ में अपनी ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ और मैं अपनी सारी खेती गाय पर आधारित कर रहा हूँ। गोबर गैस प्लांट से मैं मेरे खेत को सैलरी के रूप में खाद देता हूँ। इस प्रकार से मैं यहाँ ऑर्गेनिक खेती के साथ इको फ्रेंडली सिस्टम से मैं खेती यहाँ कर रहा हूँ। नीचे उसमें मैंने करौंदा लगाया हुआ है। करौंदे के साथ मैंने चारों तरफ आंवला लगा दिया। आंवले के बाद में नींबू की लाइन आएगी। नींबू के बाद मैंने उसमें अमरूद की ले ली। उसके नीचे मैंने हल्दी खेती की हुई है। मेरे पास 1 किलो का 1 अमरूद होता है। हम इसको यहाँ पीस के हिसाब से बेचते हैं। इसका सबसे बढ़िया बात क्या है, जो मैं यहाँ हल्दी खेती करता हूँ अमरूद के साथ में बागवानी में, तो हमारे जो मेडिकेटेड गुण जो हल्दी के होते हैं वो अमरूद के अंदर भी चले जाते हैं। इसकी 100 रुपये किलो, 140 रुपये किलो, यानी कि 75 रुपये किलो से लेकर के और 100-140 रुपये किलो तक ये चला जाता है मार्केट के अंदर। यहाँ पहुँचने वाले किसानों को सुनील अमरूद के लगाए गए पौधों के बारे में गुर देते हैं। हिमाचल स्थित किन्नौर के किसानों ने यहाँ से काफी जानकारी भी हासिल की है और हिमाचल के किसानों ने सुनील को सम्मानित भी किया। दरअसल ऑर्गेनिक अमरूद स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक होता है। यहाँ का अमरूद हिमाचल के सेब से काफी स्वादिष्ट और खाने में काफी मीठा होता है। थाईलैंड की किस्म के अमरूद के 3 एकड़ में किसान सुनील कंडेला ने करीब 4.5 साल पहले पौधे लगाए थे, जिन पर बाद में फल लगना शुरू हुआ। सुनील ने पौधों में किसी तरह की कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया। जैविक तरीका अपनाते हुए पौधों में देसी खाद का इस्तेमाल किया गया। वहीं पौधे पर लगे फल को धूल, मिट्टी और बीमारियों से बचाने के लिए उनके ऊपर पॉलिथीन डाली गई। अब इनका काफी अच्छा मुनाफा हो रहा है, जिसकी वजह से ये अब अपने ऑर्गेनिक खेती का विस्तार कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि वो 5 एकड़ में ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 5 एकड़ की ऑर्गेनिक खेती से वो करीब 10-12 लाख रुपए सालाना कमा रहे हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति काफी बेहतर हो गई। इनके खेत में करीब 2,200 पौधे हैं, जिनमें सोलर के जरिए ही ड्रिप इरिगेशन करते हैं। इससे पानी की भी काफी बचत होती है। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार की तरफ से तमाम सुविधाएं भी मिलती हैं, जिसके लिए उन्होंने सरकार का आभार भी प्रकट किया और साथ ही दूसरे किसानों से भी इसे अपनाने की अपील की है। कुल मिलाकर के मैं 5 एकड़ से 10-12 लाख रुपए सालाना इनकम यहाँ से लेता हूँ। मेरे पूरे खेत में लगभग आप देखेंगे 2200 पौधे हैं। तो हम सारा सोलर के माध्यम से हम यहाँ ड्रिप इरिगेशन करते हैं, किसानों की तरफ से और मेरी तरफ से हरियाणा सरकार के जो हॉर्टिकल्चर का डिपार्टमेंट है उसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि भविष्य में इस प्रकार की किसानों की सहायता करते रहें ताकि मेरे जैसे किसान उन्नति करें। किसान सुनील का शौक रहा है कि वो वैज्ञानिक तरीके से बागवानी के साथ साथ सब्जी उगाकर खेती बाड़ी को लाभकारी बना सके, जिसके चलते उसने मल्टी क्रॉप यानी एक समय में हर मौसम की फसल उगाने का फैसला लिया, जिसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। खास बात तो ये है कि जो अपने खेत में पैदा कर रहा है वो ऑर्गेनिक है और डिमांड भी अच्छी खासी है। किसान सुनील का मानना है कि वैज्ञानिक तरीके से खेती बाड़ी की जाए तो काफी फायदा हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि उनका लक्ष्य लोगों को जहर मुक्त फल देना है। एक नहीं, दो नहीं, ऐसे हजारों किसान हैं जो हरियाणा सरकार की नीतियों को अपनाकर अपनी खेती में नया आयाम स्थापित कर रहे हैं।
कैथल के प्रगतिशील किसान विजय शर्मा ने भी ऐसे किसानों में अपनी जगह बनाई, क्योंकि एक तरह से हरियाणा सरकार ने किसानों के भाग्य के दरवाजे खोल दिए हैं। आज बागवानी को एक व्यवसाय के रूप में अपनाकर किसान हर रोज कामयाबी के नए मुकाम हासिल कर रहे हैं। बागवानी विभाग में खुद निपुण होने के साथ साथ आज किसान द्वारा स्थानीय लोगों को भी रोजगार प्रदान किया जा रहा है, जिससे उन लोगों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आया है। किसान विजय शर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार ने उन्हें नेट हाउस लगाने पर सब्सिडी दी, जिससे काफी मदद मिली है और आमदनी भी बढ़ गई है। अब करीब एक एकड़ से उनकी सालाना आमदनी 5 से 6 लाख रुपए होती है। किसान ने बताया कि वो हाइब्रिड खीरे, हाइब्रिड कैप्सिकम, कलर कैप्सिकम की खेती करते हैं, जिसकी बाजार में काफी डिमांड रहती है। पहले परिवार की आर्थिक स्थिति ज्यादा बेहतर नहीं थी, लेकिन ये अपनाने के बाद अब काफी ज्यादा मुनाफा होता है, जिससे परिवार में खुशियां छाई हुई हैं। इतना ही नहीं, किसान विजय अब दूसरे लोगों को भी रोजगार देने में सक्षम हैं। इनके यहाँ पर 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, जिनको एक प्रकार से रोजगार मिला है। पूरे साल यहाँ काम चलता है, जिससे उनकी भी आर्थिक स्थिति सुधरी है और उनके भी जीवन स्तर में काफी सुधार हुआ है। अभी जो मेरे को जैसे पता चला कि विभाग इस नेट हाउस पे सब्सिडी देता है, और मैंने तब सब्सिडी पे नेट हाउस लगाया, जिससे मेरी आमदन बढ़ी है काफ़ी, और एक एकड़ से ये कोई 5 से 6 लाख रुपए सालाना आमदन हो जाती है नेट हाउस से। और अभी दूसरे किले में मैंने लगाया है 18-19 में, और उसमें भी अच्छी आमदन हो रही है। हम इसमें हाइब्रिड खीरे की और हाइब्रिड कैप्सिकम, कलर कैप्सिकम की भी खेती करते हैं, और इससे भी काफ़ी इसकी डिमांड रहती है बाजार में, और इससे अच्छी आमदन होती है। इसमें हम एक एकड़ में लगभग 10 लेडीज और एक लेबर मेल को हम काम देते हैं, और तकरीबन हमारा काम साल भर चलता रहता है, और इससे उनकी भी आमदन बढ़ी है, और सभी को हम टाइम पर पैसा मिलता है, उनको उनकी भी जीवन स्तर में सुधार हुआ है। प्रगतिशील किसान विजय शर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार की तरफ से कई तरह की मदद दी जाती है। समय समय पर सेमिनार का आयोजन भी होता है, जो काफी फायदेमंद होते हैं, क्योंकि बागवानी विभाग के अधिकारियों की तरफ से उन्हें नई नई तकनीकों की जानकारी मिलती है, जो उनकी खेती के लिए काफी लाभदायक होती है। इतना ही नहीं, उन्होंने 1.5 एकड़ में आयरन स्टैकिंग भी लगाया हुआ है, जिसके ऊपर क्लच वायर डलती है। इसमें बेल वाली सब्जियां जैसे करेला, तोरी, घिया लगाते हैं, जिससे आमदनी में बढ़ोतरी होती है। और विभाग समय समय पर सेमिनार करवाता रहता है, और हम उसमें जाते हैं, हमें बुलाया जाता है, नई नई तकनीक की जानकारी हमें दी जाती है। मैंने अपने खेत में 1.5 एकड़ में आयरन स्टैकिंग लगाया हुआ है, और आयरन स्टैकिंग के ऊपर क्लच वायर डलती है, उसके ऊपर हम इसमें पूरा जाल बनाते हैं प्रॉपर, और इसमें हम बेल वाली जितनी भी सब्जियां हैं, जैसे करेला है, तोरी है, घिया है, हम इसमें वो सब्जियां लेते हैं, और इससे हमारा मान लो जो यील्ड है वो बढ़ जाती है। हरियाणा सरकार के जागरूकता कार्यक्रमों का असर इतना ज्यादा है कि प्रदेश के हजारों किसान अब पारंपरिक खेती को छोड़कर प्राकृतिक खेती को अपना चुके हैं, जिससे उनकी आय दोगुने से भी ज्यादा हो चुकी है। इसमें पानी की बचत तो होती ही है, लेकिन साथ ही साथ किसानों का उत्थान भी होता है, उनकी आय बढ़ती है और आर्थिक स्थिति काफी बेहतर हो जाती है। इतना ही नहीं, बागवानी अपनाने वाले किसानों को प्रदेश सरकार की तरफ से अलग अलग विशेष अनुदान भी प्रदान किया जाता है, जिससे किसानों को काफी मदद मिलती है। यही कारण है कि आज हरियाणा के किसान ऑर्गेनिक खेती की ओर आकर्षित हो रहे हैं और प्रगतिशील किसानों की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा रहे हैं।